तो क्या आपको एक बेस्ट परफॉर्मिंग फोन चाहिए जिसमें कि आप गेमिंग भी कर पाए एंड वीडियो एडिटिंग भी कर पाए, क्योंकि भाई रील्स बनाना भी तो जरूरी है। तो मैं आपके लिए चार ऑप्शंस लेकर आ गया हूं जिसमें कि आप एक भी फोन को मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि यहां पे हम इसको टेस्ट करने के लिए लाइक परफॉर्मेंस में कौन सा फोन ज्यादा अच्छा है उसको बताने के लिए हम अलग अलग पैरामीटर्स में टेस्टिंग करते हैं। तो परफॉर्मेंस में हम जब टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका आता है सबसे पहले N22 बेंचमार्क, जहां पे हम टेस्ट करते हैं कि ओवरऑल फोन का परफॉर्मेंस कैसा है, जैसे कि उसमें आपका CPU कितना अच्छा है, GPU कितना अच्छा है और आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा निकल के आ रहा है, उसमें सब कुछ कैलकुलेट हो जाता है। और दूसरा टेस्ट आता है हमारा Geekbench का, जिसमें कि हम सिंगल कोर और मल्टी कोर देखते हैं CPUs के, ताकि उससे पता चले कि भाई कैसा आपका टास्क परफॉर्म करेगा। लाइक आपका जब कोई अगर हैवी इंटेंसिव टास्क देंगे तो आपका मल्टी कोर में काम करेगा और सिंगल कोर में आपका हल्के फुल्के काम जैसे वेब ब्राउजिंग एंड ऑल वो सब कैसा परफॉर्म करेगा, वो सब हम टेस्ट करते हैं। फिर आता है आपका बर्नआउट टेस्ट, जिसमें कि पता चलता है कि अगर हम स्ट्रेस दे अगर CPU को तो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है अंडर प्रेशर भी। और इसके बाद आता है आपका GFX Manhattan, GFX T-Rex, जिसमें हम पता लगाते हैं कि एक्चुअल में आपका ग्राफिक्स का GPU कैसा काम कर रहा है और कितने अच्छे से वो ग्राफिक्स मेंटेन कर पा रहा है और प्रोड्यूस कर पा रहा है फोन में जब उसकी जरूरत हो, लाइक गेमिंग वगैरह में और अदरवाइज कोई आप ग्राफिक इंटेंसिव काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका CPDT, रैंडम रीड एंड राइट, जिसमें पता चलता है कि आप कोई फाइल कॉपी कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, तो आपका अपलोड डाउनलोड स्पीड कैसा है उससे आपको पता चलता है कि आपका स्टोरेज में कैसी स्पीड है, तो वो आपको पता चलता है उस आपके टेस्ट से। और गेमिंग की बात की जाए तो यहाँ पे भी हम लोग गेमिंग के लिए यहाँ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, रियल रेसिंग 3 एंड आपका BGMI खेल के देखते हैं, 30-30 मिनट्स की प्रॉपर गेमिंग करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका बैटरी ड्रॉप कितना हुआ, आपका कितना हीट हो रहा है और साथ साथ ये जो भी सारे टेस्ट और गेमिंग करते हैं हम उसमें आपको 10-10 मिनट्स का ब्रेक देते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि 30°C से जैसे नीचे जाए फोन, जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद ही हम दूसरा टेस्ट स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम इवैल्यूएट करते हैं परफॉर्मेंस को ऑफ Realme 13 प्लस। तो इसमें आपको मिलता है MediaTek Dimensity का 7300 एनर्जी प्रोसेसर, जो कि आता है 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर और इसमें आपको 8GB की RAM मिल जाती है एंड साथ साथ आपको 128GB की स्टोरेज मिल जाती है जो कि होती है UFS 3.1 पे। अगर बात करें इसके कॉम्पिटिशन की तो यहाँ आ जाता है आपके पास iQOO Z9S, Samsung Galaxy M35 एंड Moto G85। तो सबसे पहले हम बात करें N22 बेंचमार्क की, तो यहाँ सबसे ज्यादा स्कोर निकल के आ रहा है वो है Realme 13 प्लस का, जो कि आ रहा है 7,39,000 से भी ज्यादा, तो काफी अच्छा है। एक अंडर बजट रहने के बाद भी इसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब बात करें यहाँ पे Geekbench सिंगल कोर की, तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा स्कोर निकल के आ रहा है फिर से Realme 13 प्लस का निकल के आ रहा है, जो कि आ रहा है 1050, जो कि काफी अच्छी बात है। और Geekbench मल्टी में भी यहाँ पे अगर बात करें सबसे अच्छा स्कोर किसका निकल के आ रहा है, वहां आ रहा है iQOO Z9S 3011 के साथ। और अब बात करें यहाँ पे बर्नआउट टेस्ट में सबसे अच्छा रिजल्ट किसका देखने को मिलता है, वो है आपका iQOO Z9S का, जो कि आ रहा है 63.90% का। अब बात करते हैं यहाँ पे GFX Manhattan की, तो यहाँ पे आपका सबसे अच्छा स्कोर निकल के आ रहा है फिर से iQOO Z9S का 4600। और अगर बात करें GFX T-Rex की, तो यहाँ पे सबसे अच्छा स्कोर निकल के आ रहा है वो है Samsung Galaxy M35 का, जो कि आ रहा है 5379 का। एंड अगर बात करें CPDT Random Write की, तो यहाँ सबसे ज्यादा स्कोर निकल के आ रहा है फिर से Realme 13 प्लस। और अब बात करें CPDT Random Read की, तो यहाँ पे निकल के आ रहा है सबसे ज्यादा स्कोर Moto G85 का 21.31 का। सो बेंचमार्क्स में अगर देखें तो काफी हद तक आपका Realme 13 प्लस एंड iQOO Z9S आगे निकल रहे हैं, बट इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब चलते हैं हम गेमिंग की तरफ। तो गेमिंग में हम बात करेंगे, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हमने खेला 30 मिनट्स के लिए और जब उसके बाद हमने FPS चेक किया तो यहाँ निकल के आ रहा था आपका FPS सबसे ज्यादा अगर बात करें तो निकल के आ रहा है Realme 13 प्लस में 55.196 का। और अगर बात करें बैटरी ड्रॉप में, सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप किसका देखने को मिला, वो है Moto G85 का, जो कि 8% बैटरी ड्रॉप हुआ। और सबसे कम बैटरी ड्रॉप देखने को मिला हमें Samsung Galaxy M35 का, जो कि सिर्फ 5% था। और हीटिंग की बात करें तो 30 मिनट्स गेमिंग करने के बाद जो हीटिंग मैक्सिमम टेम्परेचर गया फोन का, वो सबसे ज्यादा गया आपका Realme 13 प्लस का, जो कि था 34.9°C। अब बात करते हैं यहाँ पे रियल रेसिंग 3 की, जब हमने खेला 30 मिनट्स के लिए तो वहां पे हमें FPS निकल के आया, सबसे ज्यादा किसका FPS निकल के आया, वो है आपका Samsung Galaxy M35 का, जो कि 98.83 निकल के आया, जो कि काफी इंप्रेसिव लगा। अब बात करें यहाँ पे बैटरी ड्रॉप देखे तो सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप आपका Realme 13 प्लस और Moto G85 का निकला, जो कि 6% था। ऑल्दो इसमें ज्यादा डिफरेंसेस देख नहीं सकते क्योंकि iQOO Z9S से Samsung Galaxy M35 का बैटरी सिर्फ 5% ड्रॉप हुआ, तो 6-5% इतना ज्यादा हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अब बात करें हीटिंग की, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हीटिंग कहां गया, किसका फोन का ज्यादा गया, तो यहां पे Samsung Galaxy M35 ज्यादा हीट हो गया है, 33.9°C तक चला गया था। अब बात करते हैं यहां पे BGMI की, तो यहां BGMI में FPS किसका निकल के आया ज्यादा 30 मिनट्स की गेमिंग के बाद, तो अगेन फिर से Realme 13 प्लस 54.107 FPS के साथ आगे निकल गया। और यहां पे अगर बैटरी ड्रॉप की बात करें
तो यहाँ बैटरी ड्रॉप में भी अगेन Realme 13 प्लस आगे निकल गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, बट इधर आपको सबसे ज्यादा बैटरी गिरी 8% की। अब हीटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा हीटिंग देखने को मिली वो थी Realme 13 प्लस में, जो कि 32.8 डिग्री सेल्सियस की थी। सो बात करें मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रहा है ना बहुत ज्यादा हो रहा है, लाइक परफॉर्मेंस में कौन सबसे अच्छा निकल के आ रहा है, तो यहाँ ये कॉम्पिटिशन हो रहा है Realme 13 प्लस और iQOO Xenon S, और जो दोनों कॉम्पिटिटर्स बचे हैं ना उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इन दोनों में आपका निकल के आ रहा है तो कहीं iQOO Xenon S आगे जा रहा है तो कहीं Realme 13 प्लस। बट अल्टीमेटली अगर मेरे को सिर्फ एक ही चूज करना हो ना तो वो Realme 13 प्लस होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, एंड इवन आपको गेम सेटिंग्स में भी ज़्यादा हायर आपको सेटिंग्स देखने को मिल रही है। लाइक अगर BGMI की बात करूँ तो वहाँ पे आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे को iQOO Xenon S में भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो सब चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। एंड आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है, आप बेंचमार्क देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, और आपको कंसिस्टेंट लाइक हर गेम में FPS अच्छे देखने को मिल रहे हैं Realme 13 प्लस में। और इवन गेमर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है कि आपका फ्लैट डिस्प्ले हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग को क्या कहना है, गेमिंग के लिए आप फ्लैट डिस्प्ले की तरफ चूज़ करेंगे या फिर iQOO Xenon S के कर्व डिस्प्ले की तरफ?